दोस्तों, जीवन में एक बार ही सही, लेकिन हर व्यक्ति के दिमाग में यह बात जरूर आती होगी कि काश मेरे पास नोट छापने की मशीन होती तो मैं अमीर बन जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, फिर वह गरीबी हटाकर सभी को अमीर क्यों नहीं बना देती? बेशक आपको यह सभी बातें परेशान करती होगी, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपका यह डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें, सरकार भी मनचाहा पैसा नहीं छाप सकती, क्योंकि देश की सेंट्रल बैंक की नज़र उस पर होती है। वैसे ही भारत देश की सेंट्रल बैंक RBI है, जिसकी इन सभी कार्य पर नज़र होती है। देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नोट छापे जाते हैं, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन देश की महंगाई से होता है। जी हाँ, यदि देश में लिमिट से ज्यादा करेंसी होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। वैसे इस फॉर्मूले को देखिए, सम ऑफ वैल्यू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू सम ऑफ ऑल करेंसी प्रेजेंट। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार करेंसी छापती है। खैर, दो देशों ने लिमिट से ज्यादा करेंसी छापने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उन्हें रोकना पड़ा। इसमें पहला नाम जर्मनी का आता है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के वक्त अलग अलग दूसरे देशों से पैसा उधार लिया था। इस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, जिसके चलते देश को बहुत नुकसान हुआ। इसकी भरपाई करने के लिए वहां की सरकार ने बहुत सारी करेंसी छाप ली। लिमिट से ज्यादा करेंसी छापने की वजह से यहां की करेंसी डीवैल्यूएट हो गई। कुछ ऐसा ही जिम्बाब्वे में भी देखने को मिला। बात उस वक्त की है जब इस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तब वहाँ भी लिमिट से ज्यादा करेंसी छापी गई। इसके बाद का आलम कुछ ऐसा था कि वहाँ के लोगों को दूध, ब्रेड, दाल, रोटी खाने के लिए भी बहुत पैसा देना पड़ रहा था। इसलिए हर देश में आदान प्रदान की बात को ध्यान में रखते हुए ही करेंसी छापी जाती है। इसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो ने आपके कई वहम दूर किए होंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए बने रहें newstracklive.com के साथ।